हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी गेमिंग। तो भाई लोग, एक्सटर्नल अनोटेशंस का एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है और इस वीडियो में 30% लोगों की कमेंट आई है कि भाई एक्सटर्नल अनोटेशंस के बारे में हमें सारी डिटेल्स बता दो। तो भाई अपने सब्सक्राइबर्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम ही है। तो भाई एक्सटर्नल अनोटेशंस के बारे में सारी स्टडी करने के बाद ही मैंने अपने सब्सक्राइबर भाइयों और यूट्यूबर्स के लिए ये वीडियो बनाई है। तो भाई मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक्सटर्नल अनोटेशंस नॉट इनेबल है तो कैसे इनेबल करें, और अगर आपका इनेबल है तो उसे कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले यह बताऊंगा कि आपका एक्सटर्नल अनोटेशंस इनेबल है तो उसे कैसे लगाएं। तो भाई सबसे पहले करते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन। उसके बाद हमें जाना है वाइट स्टूडियो में। वाइट स्टूडियो में जाने के बाद लेफ्ट साइड में अपने चैनल का आइकॉन होता है, वहां पे क्लिक करना है और वहां से माई चैनल्स में जाना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फिर से चैनल के आइकॉन पे क्लिक करके हमें जाना है सेटिंग के ऑप्शन में। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन में जाते हो, वहाँ पे स्टेटस एंड फीचर का ऑप्शन शो होगा, उस पर जाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्टेटस एंड फीचर्स का ऑप्शंस इनेबल है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस इनेबल है और मेरा मोनेटाइजेशन अभी इनेबल नहीं हुआ है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो इनेबल है यहाँ पर एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस, वो जैसे ही चैनल ओपन करते हो आपको मिल जाता है। अगर आपके चैनल पर कोई ऑडियो या वीडियो कॉपीराइट आता है तो यह डिसेबल हो जाता है। अगर आपका एक्सटर्नल नोटिफिकेशन नॉट इनेबल है तो आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो के एंड में ख़त्म हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लेना, बस यह वीडियो आप एंड तक देख लेना, उसके बाद एक्सटर्नल नोटिफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। तो भाई आप जैसे देख रहे हैं हम फिर से आए हैं वाइट स्टूडियो में। अब मैं आपको बताऊँगा अगर एक्सटर्नल नोटिफिकेशन इनेबल है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें और कैसे लगाएं। तो भाई मैंने वीडियोज़ में आके एक वीडियो सेलेक्ट की है, अब मैं इस पर एक्सटर्नल अनोटेशंस का यूज़ करूँगा। जैसे ही आप लोग एडिट के सेक्शंस पे आते हो, आपके सामने अनोटेशंस सेक्शन में एंड स्क्रीन और आई कार्ड शो होगा। तो सबसे पहले मैं एंड स्क्रीन आपको लगा के दिखाऊंगा। तो हम आए हैं एंड स्क्रीन के सेक्शन में। यहाँ से मैं एक एंड स्क्रीन सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंड स्क्रीन हमने सेलेक्ट की है। यहाँ पर हम अपने चैनल की जो चाहे वो वीडियो डाल सकते हैं और किसी और के चैनल की भी वीडियो डाल सकते हैं। और एक बात, हम यहाँ पे अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो सिलेक्ट की है। तो यह है एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस का फर्स्ट एडवांटेज। जैसे कि तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब मैं बताऊँगा आपको एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस का सेकेंड एडवांटेज। जैसे हमने एंड स्क्रीन सेट की है, उसी तरह हम एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस की मदद से आई कार्ड सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हम आए हैं आई कार्ड सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल और लिंक। वीडियो सेक्शन में जाके हम अपने चैनल की कोई भी वीडियो या किसी और के चैनल की कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। और चैनल के ऑप्शन पे जाके हम यूट्यूब के किसी भी चैनल की लिंक अपने आई कार्ड में वीडियो में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हम प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब जो बचा है लिंक का सेक्शन, भाई वो मोनेटाइजेशन से पहले हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे ही अपना चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम लोग एक्सटर्नल साइट्स को प्रमोट कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर एक्सटर्नल साइट्स की लिंक शेयर कर सकते हैं। तो यह बात याद रखना कि हम मोनेटाइजेशन से पहले यूट्यूब के बाहर की कोई भी लिंक या वेबसाइट अपने वीडियो पे प्रमोट नहीं कर सकते। तो यह एक्सटर्नल नोटिफिकेशन का यूज़ कैसे करते हैं मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा एक्सटर्नल नोटिफिकेशन नॉट इनेबल है तो आप इन एक्सटर्नल नोटिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हो। अब हम चलेंगे अपने सेकंड चैनल के स्टेटस एंड फीचर में। तो भाई अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे सेकंड चैनल पे। बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम सताती है कि अब हमारा एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस नॉट इनेबल है तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन भाई लोग, आप सब लोग एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस नॉट इनेबल होने के बाद भी उसका यूज कर सकते हो। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड चैनल के स्टेटस एंड फीचर में। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं इस चैनल का एक्सटर्नल एनोटेशंस नॉट इनेबल है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एंड स्क्रीन और आई बटन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी आई कार्ड जिसे हम आई बटन भी कहते हैं। तो अब मैं
इस चैनल के सीधा वीडियो सेक्शन में जाता हूँ और उसके बाद एडिट वीडियो के ऑप्शन में हम चले जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं और ये वीडियो सिलेक्ट करने के बाद हम एनोटेशंस के सेक्शन में। तो भाई मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बस इस नॉट इनेबल के चैनल पे मैं आपको एंड स्क्रीन सेट करके दिखाऊंगा, जिसकी आप लोग देख रहे हैं मैंने एंड स्क्रीन सेट कर ली है। अब हम आई बटन में चलते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं एक चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्रह्मोज एक्स चैनल की लिंक। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ब्रह्मोज एक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे ब्रह्मोज एक्स चैनल हमें शो हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और इसे हम अब सेव कर लेते हैं। ब्रह्मोज एक्स चैनल की लिंक मैं आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप भी विजिट करके देखना। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आप सब लोगों को यह पता चल ही गया होगा, एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस नॉट इनेबल हो या इनेबल हो, हम लोग चैनल पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आपका एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस नॉट इनेबल है तो आप टेंशन मत लेना, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा यह फिर से इनेबल हो जाएगा। तो भाई लोग जब तक नॉट इनेबल है तब तक आप लोग ऐसे ही एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस का यूज़ करते रहिए, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई के साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।